Hey guys, so मेरे लिए इंडिया से काफी सारे गिफ्ट नहीं कहूंगी एज इन लाइक कुछ सामान मेरे लिए आया है, तो मैंने सोचा वो मैं आपके साथ शेयर करूं। बहुत ज्यादा ऐसा कुछ स्पेशल सामान नहीं है, बट मैंने वो सब चीजें मंगवाई है जो कि यहाँ पर इजीली अवेलेबल नहीं होती है इंग्लैंड में। तो लेट्स सी माई गिफ्ट फ्रॉम इंडिया। तो एक एक करके हम सारे प्रोडक्ट्स को यू नो खोलेंगे। ये छोटा सा बैग है, देख सकते हैं आप, इसमें सामान मेरा आ रखा है। तो या लेट्स गो विद द फर्स्ट प्रोडक्ट। तो ये मैंने जो है VLCC की सैलॉन सीरीज के एक किट मंगवाई है जो कि एंटी टैन फेशियल किट है। यहाँ पर इजीली अवेलेबल हमें स्टोर्स में नहीं होती है, या तो फिर अमेजोन से मंगवाना पड़ता है ऑनलाइन, तो वो जो है काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। तो इसीलिए जो है ये किट मैंने इंडिया से मंगवाई है, एंड दिस इज़ रियली गुड फॉर यू नो इंडियन और एशियन स्किन। और इसको आप जब भी यू नो फेस्टिवल का, जैसे अभी मौसम था करवा चौथ, दिवाली एंड नवरात्रि एंड एवरीथिंग, सो यू कैन ऑब्वियसली यूज़ दिस वन। आपको पता ही होगा, आप यूज़ करते होंगे। तो मैंने ये एक मंगवाया है, तो नेक्स्ट मैं इसके साथ एक वीडियो बनाऊंगी जो आपके साथ शेयर करूंगी। आगे चलते हैं। तो ये है भाई नवरत्न ठंडा ठंडा कूल कूल। एज यू नो ये बहुत ही फेमस है इंडिया में, और आई वॉज रियली स्ट्रगलिंग टू फाइंड दिस प्रोडक्ट हेयर। और मुझे ये बहुत पसंद है क्योंकि वेन एवर यू आर हैविंग यू नो टायरिंग डे, और आप इसको सर पे लगाइए एंड देन यू फील लाइक सो गुड। यू नो हम बचपन से इसके एड्स देखते आ रहे थे, तो दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट हेयर ऑयल विच आई यूज। उसके अलावा ये कुछ लाइट्स हैं, दिवाली लाइट्स जो कि मैंने मंगवाई है। दिवाली का टाइम चल रहा था तो मैंने लाइट्स मंगवाई है। थोड़ा लेट नहीं हो गया? येस ऑब्वियसली इट्स लेट, बट क्रिसमस इज देयर, क्रिसमस में मैं ये लगाऊंगी। और ऑब्वियसली इंग्लैंड में जो है क्रिसमस जो है दिवाली की तरह बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, तो मैं इन लाइट्स को जो है घर पे लगाऊंगी। तो मेरे हस्बैंड पीछे से कह रहे हैं कि दिवाली चली गई है, बट येस वी हैव मेनी फेस्टिवल येट कमिंग ऑन। तो ये कुछ मैंने मंदिर का सामान मंगवाया है, तो ये माता की चुन्नी है, धूप बत्ती है, एंड यू नो सम क्लॉथ। इसके अलावा येस दिस इज द पतंजलि एलोवेरा जेल। ऑब्वियसली आप इस प्रोडक्ट को यू नो डेली यूज में यूज करते होंगे। यहाँ पर भी ये मिल जाता है यू नो कुछ स्टोर्स में, बट ऑब्वियसली इट्स कॉस्टली। तो ये मैंने इंडिया से मंगवाया है, एंड इन इंडिया आई थिंक इट ओनली कॉस्ट अस 60 रुपीज, और अगर मैं यहाँ देखने के लिए जाऊँ तो इट विल कॉस्ट मी अराउंड आई डोंट नो 6-7 pounds। सो इंडिया जिंदाबाद। तो मैंने इंडिया से ही ये प्रोडक्ट मंगवाया है। नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैंने एक प्रेशर कुकर मंगवाया है। तो ये मुझे प्रेस्टीज का प्रेशर कुकर है, छोटा सा 3 लीटर्स का। आप सोच रहे होंगे कि कुकर कौन मंगवाता है भाई, बट मैंने कुकर इसलिए मंगवाया है क्योंकि मुझे यहाँ पर इजीली जो है नॉर्मल एलईडी टेस्को वगैरह में या जो बर्तनों की शॉप्स होती है उसमें हमारे इस तरह के राइस कुकर्स नहीं मिल रहे थे। तो जो इंग्लैंड में जो राइस कुकर्स होते हैं वो इन प्रेशर कुकर से डिफरेंट मिलते हैं, तो वो थोड़े कॉस्टली भी होते हैं। तो मैंने जो है इंडिया से अपना प्रेस्टीज ब्रांड का कुकर मंगवाया है। नेक्स्ट देखते हैं। तो दिस इज लाइक मंदिर का स्टफ, रोली एंड चंदन वगैरह एंड और छल्ली विच इज लाइक होमली स्टफ। इसके अलावा मैं आपको, दिस इज अगेन ट्यूब ऑफ एलोवेरा जेल एंड छोटी छोटी चीजें कहते हैं ना, छोटी छोटी खुशियां, वैसलीन, आयोडेक्स, ये सारी चीजें भी जो है इंडिया से यहाँ तक पहुंच गई हैं मेरे लिए। और इसके अलावा कुछ मंदिर का सामान है, जैसे कि आपको खोल के ही दिखा देती हूँ, जैसे कि हमारे ये दिया है पूजा करने के लिए, और ये धूप लगाने के लिए धूप का स्टैंड है, और ये है हमारी मंदिर की घंटी। तो ये सारी चीज़ें भी हमें मिल जाती हैं, बट ऑब्वियसली देन अगेन इट्स कॉस्टली। एंड इंडिया में ये हमें बहुत ही यू नो नॉर्मल रेट्स में, क्योंकि हम इंडिया में ये सब चीज़ें मैन्युफैक्चर होती हैं तो बहुत ही इजी रेट में मिल जाती हैं हमें, सस्ते रेट में। तो ये मैंने मंदिर का भी सामान मंगवाया है। नेक्स्ट व्हाट्स अ बिग थिंग अगेन, इसमें मंदिर का ही सामान है, ये बबल रैप होके आया था। तो इसमें जो है मंदिर की ही जो है फोटोज हैं, अगर आप ऐसे करके दिखाऊं मैं आपको, तो ये छोटी छोटी जो है मंदिर की फोटोज जो है वो मैंने मंगवाई हैं। ये जो है गौरा शंकर जी की, और ये जो है राम दरबार, राम सीता जी की और हनुमान जी की दरबार की है। तो ऑब्वियसली भगवान को तो हम हमेशा ही पूजेंगे, तो उनका सामान भी मंगवाना ज़रूरी है। तो उसके अलावा एज यू नो
कि मेरे चैनल का नाम है पहाड़ी लंदन एंड आई एम अ बॉर्न पहाड़ी. तो अगर कोई पहाड़ी है और उसके गांव से, उसकी जगह से अगर दाल ना आए, यू नो, भट की दाल, घौत की दाल, तो फिर क्या ही मजा है. तो मैं आपको वो सारी पोटलियां भी खोल के दिखाऊंगी. तो ये तो नॉर्मल जो है सोयाबीन की बढ़िया है जो कि भेजी गई है. इसके अलावा मैं अपना कुटुर खोल रही हूँ, वी कॉल इट कुटुर, जिसमें कि अलग अलग तरह की दालें हैं. और वो भी, ये सारा जो पैकेट है ये पूरे दालों का है. तो जब मैं ये दाल बनाऊंगी तब आपके साथ शेयर करूंगी कि ये दालों की रेसिपी कौन कौन सी है और किस किस तरह की पहाड़ी दालें जो हैं मैं बनाने वाली हूँ. देन वी हैव द बिंदी. तो माय फेवरेट बिंदी. एंड अभी अगर कोई इंडियन फेस्टिवल हमारे आएंगे नेक्स्ट ईयर तो मैं इन बिंदीज को लगाऊंगी, दीज फैंसी बिंदीज. एंड वी हैव आर एंड आई गॉट माई मंगलसूत्र फ्रॉम इंडिया एज वेल. तो ये काफ़ी ट्रेंडी आजकल चल रहे हैं तो मैंने ये भी मंगलसूत्र वहाँ से मंगवाए हैं. तो ये चीज़ें हो गई हमारी फैंसी चीज़ें. और उसके अलावा लास्ट मेरे ख्याल से ये जो प्रोडक्ट मैं खोल रही हूँ, प्रोडक्ट नहीं बोलूँगी, एज लाइक सामान जो मैं खोल रही हूँ जो पिन्नी में बंद है, वो है कुछ फ्लावर्स वगैरह डोर्स पे डेकोरेट करने के लिए जो कि हम सब यूज़ करते हैं दिवाली के टाइम पे. तो मैंने ये मंगवाई हैं ताकि मैं नेक्स्ट ईयर अगर कुछ हमारा इवेंट हो घर पे तो उसमें मैं इन्हें यूज़ कर सकूँ. और लेट्स चेक फॉर सम पॉकेट्स कि कुछ पॉकेट्स में अगर रह गया है जो मैं मिस करी. यस, सो या आई गॉट दीज टू ब्यूटिफुल बैंगल्स. इफ़ यू कैन सी, ये काफ़ी सुंदर बैंगल्स हैं, ये भेजी गई है इंडिया से मेरे लिए. और मैं आपको पहन के भी दिखा देती हूँ. सो दीज आर माई बैंगल्स. तो यस, सो फिर यही थोड़ा बहुत सामान है जो इंडिया से आया है. इसके अलावा कुछ स्वीट्स भी आई हैं तो लेट मी शो यू दैट. सो गाइस, ये आए हैं हमारे लिए स्पेशल मिठाई के डब्बे इंडिया से. ऑब्वियसली इंडिया से गिफ्ट्स आए और साथ में स्वीट्स ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता है. तो ये हमारी कुछ इंडियन स्वीट्स आई हैं जो कि मेरे ब्रदर के फ्रेंड हिमांशु ने जो है स्पेशली जो है मुरैना एक जगह है यूपी में, तो वहाँ से मंगवाई है मेरे लिए. सो थैंक यू हिमांशु एंड योर फैमिली फॉर दिस स्वीट बॉक्सेस. तो मैं यहाँ पर सबको बांटूंगी ये सारी मिठाइयाँ और देखते हैं कि उनको पसंद आती है कि नहीं. डब्बा ऑलरेडी खोल के रखा हुआ है इन गज्जकों का. तो ये हमारी स्पेशल, अगर आप जूम करके देखें तो मुरैना की गज्जकें हैं. तो ये जो है आपकी ठंडियों में, सर्दियों में बहुत अच्छी लगती हैं खाने में. यू नो, आप मिल्क के साथ, चाय के साथ खा सकते हैं. तो आजकल जो है मैं यही खा रही हूँ. तो ये इन दोनों में तो हमारी मुरैना की गज्जकें ही हैं. लेट मी सी कि इस वाले बॉक्स में क्या है. आई थिंक ये भी सेम ही लग रहा है मुझे, इसमें भी गज्जक लिखा है. येस, इज ऑल्सो द सेम गज्जक बट इट्स लाइक अ बिट डिफरेंट काइंड, बट गज्जक ओनली. लेट्स सी फॉर दिस वन. दीज आर ऑल्सो, इफ यू सी दीज आर ऑल्सो गज्जक. तो मुझे पता नहीं है पर इनमें से एक डब्बा जो है वो होम मेड है, तो वो मैं देखूंगी कौन सा है. आई एम नॉट रियली श्योर राइट नाउ. बट ये सारी जो है मुरैना की, आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है मुरैना गज्जक भंडार. तो सारी मुरैना की स्पेशल जो है गज्जकें हैं जो कि इंडिया से आई है. सो मैं तो बहुत ही खुश हूँ इन सब गिफ्ट्स को पाकर के. तो मैं सभी को जिन्होंने मेरे गिफ्ट्स भेजे हैं इंडिया से उनको मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ. और ये जब गिफ्ट्स आते हैं छोटे छोटे जिनको हम इंडिया में बिल्कुल कुछ बहुत नॉर्मल सी चीज़ ट्रीट करते हैं, बट यहाँ पर इंग्लैंड में वही चीज़ बहुत स्पेशल हो जाती है हमारे लिए. तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा इन गिफ्ट्स को खोलने में. और यू नो, आई एम रियली थैंकफुल टू एवरीबडी हु सेंड मी ओवर दीज. सो गाइस, मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट इंटरेस्टिंग व्लॉग में. तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए. सी यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय.